चुनावी बिसात तो बिछ चुकी है, उम्मीदवार भी तय हैं, बस वोटिंग का इंतजार है। 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों की वोटिंग होने वाली है, जिसके लिए 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। लेकिन वोटिंग से पहले ही अखिलेश ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने ये दावा ऐसे वक्त में किया है जब जोड़ तोड़ की कोशिशें की जा रही हैं। जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार दबाव बना रही है, विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, और ये सरकार का तरीका है काम करने का, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना, या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उसका दबाव बनाना, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। हालांकि अखिलेश का दावा है कि बीजेपी सरकार की ये तमाम कोशिशें इस चुनाव में कामयाब नहीं होंगी, लेकिन परीक्षा अखिलेश की भी कम नहीं है। बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार उतारकर अखिलेश के तीसरे उम्मीदवार की जीत को मुश्किल में डाल दिया है। ऐसे में इस बार यूपी में राज्यसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। यूपी में 10 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन होना है, जिसके लिए सपा ने 3 और बीजेपी ने 8 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। बीजेपी द्वारा 8वें प्रत्याशी के तौर पर संजय सेठ को उतारने से सपा के तीसरे उम्मीदवार की जीत मुश्किल हो गई है। ऐसे में 10वीं सीट के लिए दोनों दलों में टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और समाजवादी पार्टी भी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी अपने 8वें प्रत्याशी की जीत के लिए रणनीति तैयार कर रही है, तो जाहिर है दूसरे दलों में सेंधमारी भी देखने को मिल सकती है। वहीं बीजेपी की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी भी रणनीति तैयार कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बैठकें कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से सपा के विधायक भी लखनऊ में ही जमे हुए हैं।